चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। 2024 दियां लोकसभा चोणां बिल्कुल नजदीक आ गई ने। कौमी पद्धर दे उत्ते दो दो गठजोड़ हो चुके ने। एनडीए एक पासे है, इंडिया एक पासे है। एक की अगवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक की अगवाई कांग्रेस कर रही है। अजिहे विच जदों पंजाब की गल करते हैं, इत्थे जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने वह बिल्कुल अलग थलग हो चुकिया ने। खेतरी पार्टी इको ही है, वह अकाली दल है। तो दूजे पासे जिहड़ियां नैशनल पार्टियां ने जां कौमी पार्टियां ने, वह अलग अलग गठजोड़ां दे विच शामिल ने। भारतीय जनता पार्टी तो तुहानूं पता ही है, वह NDA की सब तो वड्डी पार्टी है। दूजे पासे एक होर बड़ी दिलचस्प गल है कि जो इंडिया गठजोड़ बनया है उस दे विच आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है ते कांग्रेस इको पेज दे ते नज़र आ रहे ने। अजिहे दे विच पंजाब दे किहो जिहे हालात बनणगे, किस तरीके दे नाल सियासत चलूगी, उस दे उत्ते आपां चर्चा कर रहे हां। चर्चा करन दे लई साडे विच मौजूद ने सियासी माहिर डॉक्टर केर सिंह। बड़ियां स्टीक टिप्पणियां करदे ने ते उन्हां दी टिप्पणियां तों पंजाब दी सियासत नूं सेध भी मिलदी है। डॉक्टर साहब, तुहाडा स्वागत है, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी दर्शक जी, तुहाडे दर्शकों दा भी जी। डॉक्टर साहब, पहले तो ये दसो कि जेकर पहले हिंदुस्तान की गल करिए, तो जिहड़ी खेतरी पार्टियां ने ते दूजे पासे कौमी पार्टियां ने, कौमी पार्टियां ने कुछ अजिही भूमिका निभाई है जिहदे नाल खेतरी पार्टियां बिल्कुल अलग थलग पै गईआं ने। तो जबकि एक समा हुंदा सीगा खेतरी पार्टियां का बहुत ही ज़्यादा अहम जिहड़ी भूमिका हुंदी सीगी खा जिहड़े सियासत दे विच, उन्हां नूं तुसीं अज का जे अज दे संदर्भ च किस तरीके नाल लैंदे हो? दर्शक जी, यह पार्टियां की जिहड़ी भूमिका हुंदी आ ना जी, चाहे वह राष्ट्रीय होण ते चाहे खेतरी होण, वह निर्भर करती है कि पार्टियां का सपोर्ट बेस की है ते लोकां विच उन्हां दी मकबूलीयत किन्नी क हैगी है, यानी कि एक्सैप्टेंस किन्नी क हैगी है। जदों राष्ट्रीय पार्टियां जिहड़ियां वह लोकां विच वधेरे मकबूल हुंदियां है तां उदों फिर उन्हां नूं ज़्यादा बहुमत मिल जांदा है ते उन्हां नूं मेजॉरिटी पार्लियामेंट च मिल जांदी है। उदों खेतरी पार्टियां दा रोल जिहड़ा है वो उन्ना महत्वपूर्ण नहीं रहिंदा जी। जदों राष्ट्रीय पार्टी कोई भी एक निकर के नितर के सामने नहीं आउंदी ते उदों फिर यह हो जाता कि जिहड़ियां वख वख खेतरी पार्टियां हैगियां उन्हां दा प्रभाव वध जाता जी। आपां देखिया ही है कि जदों कांग्रेस कमज़ोर होई जी, ते कांग्रेस कमज़ोर होण नाल उदों फिर खेतरी पार्टियां दे विच गठजोड़ भी होए। गठजोड़ होण दे नाल उन्हां दी महत्ता वध गई ते जदों मुड़ के फिर कांग्रेस दी थां BJP मजबूत हो के निकली ते उदों फिर खेतरी पार्टियां जिहड़ियां उन्हां दा रोल गौण हो गया और उन्हां दी महत्ता घट गई जी। एक तो यह है कि जदों राष्ट्रीय पद्धर ते राष्ट्रीय पार्टियां, यानी कि आपां कहीए कि आल इंडिया पार्टी जिसनूं आपां कहिंदे, नैशनल लैवल दीआं पार्टियां जिहड़ियां, उन्हां चों कोई एक वह भारू हो जाए तां उहदे नाल खेतरी पार्टियां दी महत्ता घट जांदी है जी। दूसरी गल यह है कि खेतरी पार्टियां प्रति राष्ट्रीय पार्टी जिहड़ी है भारू पार्टियां हन उन्हां दा दृष्टिकोण की है उत्ते भी निर्भर करदा जी। की ओह खेतरी पार्टियां नूं कमज़ोर करना चाहुंदी है राष्ट्रीय पार्टी, जां उन्हां नूं आपणे नाल लै के चलना चाहुंदी है, जिस भी अवस्था विच खेतरी पार्टियां हन और उन्हां दी महत्ता नूं उह बरकरार रखदे है, यानी कि को एग्जिस्टेंस जी जां कोआपरेशन हुंदी है राष्ट्रीय रूलिंग पार्टी विच ते कुछ खेतरी पार्टियां दे विच, जदों आपां नूं पता है कि मिली जुली सरकार बनदी है जी।
बीजेपी का दृष्टिकोण जिहड़ा हैगा खेतरी पार्टियां प्रति जिहड़ा वो थोड़ा जा कहो कि वो इनटॉलरेंट जा हैगा जी। वो ये समझती है बीजेपी जिहड़ी भारू धिर इस वेले दी हैगी है कि वो खेतरी पार्टियां जिन्हां नाल उहदा गठजोड़ भी होया मौके बमौके उन्होंने कोशिश ये की है कि वह खेतरी पार्टियां दे नाल जो गठजोड़ भी होया तो उन्होंने मजबूत करने की थां उस खिते विच अपने आप नू मजबूत करने की उन्होंने कोशिश रही है जी जी जी। अपने सामने जिहड़ियां एग्जाम्पल हैगियां ही चाहे तुसीं आसाम की एग्जाम्पल लै लो चाहे महाराष्ट्र की एग्जाम्पल लै लो तुसीं यह साढ़े सामने ही है चाहे गोवा की एग्जाम्पल लै लो चाहे पंजाब की एग्जाम्पल जी 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 कि जिथे भी उन्होंने खेतरी पार्टियां दे नाल नाल के सरकारां बनाईयां बिहार की एग्जाम्पल भी अपने सामने ही है हाँ जी हाँ। कि खेतरी पार्टियां जिथे वो बीजेपी भाईवाल हुंदी है भावें दूसरे नंबर ते होवे फिर उहदी कोशिश ही हुंदी है कि वो अपने आप नूं उन्हां खेतियां दे विच मजबूत कर लै और उन्हां दी निर्भरता जिहड़ी है खेतरी पार्टियां ते घट जाए जी। उहदा आधार दर्शक जी यह है जिसनूं आपां कहीए कि बीजेपी की सोच जी बीजेपी की सोच यह है कि जिहड़ा ये भारत देश है साडा यह एक ही सभ्यता है एक ही इत्थे कानून होना चाहिए और एक ही इत्थे भाषा भारू होनी चाहिए है एक ही सभ्याचार भारू होना चाहिए है जिसनूं हिंदुत्व की सोच कहिंदे है और वो जे भारू होनी है तो उहदे विच एक सारता वल नूं जिहड़ा रुझान वह वध जांदा है। ये नहीं है कि वह वख वख खेतियां दे विच जो कल्चर हन उन्हां नूं खत्म नहीं करदे पर ओ एक अपनी भारू सोच जिहड़ी है ना वो उन्हां ते लागू करन दी कोशिश करदे है और उन्हां नूं अपना दबेल बना के रखण दी कोशिश करदे है उन्हां नूं अपना पूरा जिसनूं आके बराबर दा भाईवाल नहीं बनाउंदे उन्हां नूं बहुत घट वो महत्ता दिंदे है ये उन्हां दी सोच दा हिस्सा है और उस सोच विचों ही ये दृष्टिकोण जिहड़ा निकलिया होया है कि जिथे किते भी बीजेपी का खेतरी पार्टियां दे नाल गठजोड़ होया है उत्थे ही उन्हां खेतरी पार्टियां अपने आप नूं ओ अंडरमाइंड महसूस कर दियां यानी कि अल्टीमेटली उन्हां नूं खोरा लग जांदा हैगा। ठीक है एक तो यह सानू देखण दी लोड़ है जदों असीं खेतरी पार्टियां दा रोल की होएगा वो डिपेंड करेगा कि राष्ट्रीय पद्धर ते कोई एक पार्टी जिहड़ी हैगी है उहनूं संपूर्ण बहुमत है या नहीं है जे संपूर्ण बहुमत मिल जाए तो फिर ये हुंदा है कि वह खेतरी पार्टियां ते निर्भर नहीं करते तुहाडे सामने ही है कि बीजेपी का होण वाली जिहड़ी अवस्था NDA बनिया सीगा NDA दे विच पार्टियां कुछ आपां नूं पता है अकाली दल भी इस खिते की पार्टी उहदे विच शामिल सीगी और किसे जमाने विच महाराष्ट्र की जिहड़ी उह पार्टी सीगी शिवसेना उह भी सीगी उह हुण निकल गईआं उहदे विचों आपां नूं पता है किसे वेले TD जिहड़ी सीगी तेलगू देशम पार्टी जिहड़ी उह भी इहदा हिस्सा हुंदा सीगा और इसे तरह ही आपां नूं पता है कि बिहार की नीतीश कुमार होणा दी पार्टी जिहड़ी सीगी JDU उह भी नैशनल अपनी NDA का हिस्सा हुंदे सी पर समां पा के जदों उन्हां नूं लग्गिया कि इन्हां दी सानूं लोड़ नहीं है तो उन्हां दी महत्ता घट गई तो वह गौण हो गए ते हट के उन्हां ते निर्भरता उन्हां दी खत्म होगी। सो कहण तो भाव यह है दर्शक जी कि जदों नैशनल पद्धर ते एक भारू पार्टी राष्ट्रीय पार्टी उजागर हो जाती है और उन्हूं बाकी पार्टियां दी लोड़ नहीं रहिंदी ते उदों जिहड़ियां ये ओरिजिनल पार्टियां कमज़ोर हो जांदियां ये वर्तारा सानू देखण नूं मिलदा है वख वख समयां ते। जी जी ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने आप गल कर रहे थे कि इंडिया नाम जो नवा गठजोड़ तैयार हो रहा है उस गठजोड़ के अकाली दल शामिल नहीं होया एनडीए दे विच भी शामिल नहीं होएगा इस बार भी गल करांगे पर नाल नाल ये भी है कि जिवें हुण खेतरी पार्टियां की गल चली है तो इंडिया दे विच जिसकी हुण अगवाई कांग्रेस कर रही है तो उस दे विच खेतरी पार्टियां किन्नी क महफूज रहणगियां उन्हां दी की महत्ता है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਰੋਲਰੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਭਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 2024 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि कांग्रेस एक बहुत मजबूत धिर के तौर पर उभर आती है और उनू बहुत रीजनल पार्टीज़ की सपोर्ट की लोड़ नहीं रही हाइपोथेटिकल है गल कह रहे हैं तो उदों उहदा दृष्टिकोण भी तकरीबन इहोजा ही हो जाना रीजनल पार्टीज क्योंकि पॉलिटिक्स दे विच जिहड़ा ना जिन्हों रीयल पॉलिटिक आपां कहने हैं यह आपां नूं पता है कि सियासत ताकत की खेड हुंदी है ताकत की खेड दे विच यही हुंदा कि आपने गिव एंड टेक करना हुंदा मैनू किन्नी क लोड़ तुहाडी हैगी है और तुसी मैनू की दे सकदे हो उसो जिन्नी क कांग्रेस पार्टी नू उदों लोड़ होएगी उन्नी ही वह महत्ता दूसरिया पार्टियां नू देणगे इहदे विच कोई सिद्धांत वाली कोई गल नहीं हैगी बीजेपी दे केस दे विच आपां थोड़ा जिहा सिद्धांत दा आपां ने गल कीती सी क्योंकि उहनां दी ओवरऑल आइडियोलॉजिकल सोच है पर यह मैं देखिया यह है कि आइडियोलॉजिकल सोच दे बावजूद जिसनूं आपां रीयल पॉलिटिक्स कहने हैं वह रीयल पॉलिटिक्स दे विच भारू गल यही हुंदी है कि तुहानूं रीजनल पार्टीज़ की लोड़ किन्नी क है जिन्नी क लोड़ है उन्नी ही उहनां दी महत्ता हो जाती है सो आपां नूं इस गल नूं इदां ही समझना चाहीदा है कि भावें राष्ट्रीय पद्धर ते कांग्रेस होवे जां बीजेपी होवे उहनां दा दृष्टिकोण खेतरी पार्टियां प्रति उहनां दी महत्ता ते निर्भर करेगा कि वह किन्नियां क महत्वपूर्ण हन शासक पार्टी लई जो राष्ट्रीय पद्धर ते राज कर जी एक होर भी गल है कि जिस तरीके मौजूदा आप कह सकते चोणा नज़दीक ने उस टाइम जिहड़ियां वड्डियां पार्टियां ने उन्हां नूं छोटियां पार्टियां की लोड़ है तो इहदे नाल नाल एक होर भी गल है कि जिहड़ियां छोटियां पार्टियां ने उन्हां नूं वड्डियां पार्टियां की लोड़ हुंदी है इस गल करके वह इन्हां अलायंस दे विच शामिल हुंदे आ जे आपां हुण पंजाब की गल करते हैं पंजाब दे विच खास तौर पर जो अकाली दल की गल चलती है तो अकाली दल एक खेतरी पार्टी है वह इस समय ना तो एनडीए दे विच है ना इंडिया दे विच है इहदा कारण की है कि वह बिल्कुल अलग थलग पै चुकी है जां उस वल्लों जो स्टैंड लिया जा रहा वह ठीक है ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੁਣ ਮੱਧਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਫ ਲੇਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ
कि जिहड़ा अकाली दल जिसनू बादल अकाली दल कह देंदे है उहदे बराबर धिरां खड़ियां कीतियां जाण ते बीज अकाली दल नू इन्ना कमज़ोर कर दिता जाए कि अपनियां टर्म्स ते उहदे नाल समझौता होए, अकाली दल की मर्जी ना चलण दित्ती जाए। अकाली दल की मजबूरी यह है कि खेतरी पार्टी के तौर पर जे वह बीजेपी की दबेल बन के वह समझौता करती है तो वह घातक है, क्योंकि फिर सारी जिसनों आप कहीए कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस उसकी होंद का कारण जिहड़ी है वाजबीयत जिसनों आप कहने वो ही नहीं रहिंदी कि जे उन्होंने रीजनल पार्टी होने के बावजूद दूजे नंबर पर ही इत्थे गल करनी हैगी है बीजेपी का दबेल बन के चलना है तो वह नहीं उन्हां वास्ते ठीक रहेगा, घातक है। सो इस करके ये तो हैगा बीजेपी नाल समझौते दीयां संभावना दी। दूसरे पासे हैगी है कांग्रेस लैड जिहड़ा अलायंस जिसनों आपां इंडिया अजकल वो अलायंस कह देंदे ने, उहदे विच मैनू लगदा कि मुढ़ली समस्या दर्शक जी यह है अकाली दल दे पिछोकड़ नूं ध्यान विच रखदे होए और अकाली दल दा सपोर्ट बेस ध्यान विच रखदे होए वो कांग्रेस नाल समझौता उहनां लई वो भी उन्ना ही मारू होएगा जिन्ना बीजेपी दा दबेल बन के समझौता करना। ये दोनों ही अवस्थावां आलमोस्ट बराबर हो जाणगियां। कांग्रेस नाल वो समझौता जे करदे है ते उहनां दा जिहड़ा रहिंदा खूंदा भी सपोर्ट बेस हैगा है वो भी खुर जाण दी संभावना हैगी है। ये आपां कहो कि पछोकड़ जिहड़ा पंजाब दी सियासत दा है उहदे विच मानसिकता है और जो सियासी सभ्याचार बन चुकया होया पंजाब दा और अकाली दल दा जो स्टैंड रहा है बहुत लंबे समय तो खास करके 84 तो बाद और दिल्ली दे दंगियां तो बाद वो जे हुण उहदा नाल किसे तरह दा जे गठजोड़ हुंदा है वो भी अकाली दल दे काडर नू मंजूर नहीं है। सो ये स्थिति है अकाली दल वास्ते कि अकाली दल इस वेले ना तो बीजेपी का दबेल बन के चल सकता है, वो हित विच नहीं है तो ना ही वह कांग्रेस नाल समझौता कर सकता है। सो उन्हां वास्ते इस सिचुएशन के हालात जो उन्होंने पोजिशन ली है कि वह स्वतंत्र रूप विच अड ना इस अलायंस नाल ना दूसरे अलायंस नाल सगों स्वतंत्र रूप विच विचरण की कोशिश करनगे, जो भी इत्थे स्थानक गठजोड़ हुंदा है चाहे वह BSP नाल होवे जां लैफ्ट पार्टीज़ नाल होवे जां किसे होर धड़ियां नाल होवे इहदी कोशिश वह करन दी कोशिश करनगे। उहदे नाल उहनां नूं ताकत मिलदी है नहीं मिलदी वह गल वक्खरी है, उहदे कारण आपां नूं पता पंजाब दे सियासत दे होर। जी 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 डॉक्टर साहब एक होर भी गल है जिवें तुसीं कहा भी स्वतंत्र होके चलण की कोशिश करूंगा जी, उन्हां दा एक तड़ा हैगा सुखदेव सिंह ढीडसा दा जी यूनाइटेड अकाली दल, हाँ वह हैगा सिर्फ तो सिर्फ जेकर मालवे खेत्र च भी पूरी तरह उसके पैर मजबूत नहीं है, खास तौर पर कला संगरूर इलाके दे विच ही उन्हां दी गलबात है। दूजे पासे दुआबे दे विच बीबी जगीर कौर दा तड़ा हैगा, वह भी अकाली दल दे नालों अलग हो गया। इस तरीके दे नाल आपां देखदे आ कि अकाली दल निश्चित रूप विच कमज़ोर तो होया ही है, तो दूजे कुछ इस दीयां नीतियां सी जिहदे करके इस नूं बड़ी वड्डियां चुनौतियां का सामना करना पै रिहा है। जेकर यह स्वतंत्र होकर चलता है कि आने वाले समय के कोई अजिहा संभावनावां हैगियां ने जिहदे नाल अकाली दल एक वड्डी पार्टी ज पहला जिस तरीके अकाली दल की गलबात सी उस तरह विचर सकेगा? यह हाइपोथेटिकल जेड़ा है ना तुसीं प्रश्न है और इहदियां संभावनावां दी ही अपना गल कर सकते हैं। मैनू लगता है कि जो इस वेले दे हालात हन और जो इस वेले अकाली दल दी अवस्था हैगी है लोग बहुता जो सपोर्ट बेस अकाली दल दा हैगा वह मायूस है, निराश है और इहदे नाल नाराज़ भी हैगा। जदों ओह सपोर्ट बेस ही तुहाडा तुहाडे नाल ना होवे ते तुहाडे विचों धड़े टुट के पासे बंदे लीडर निकल जाण ते ओह इलैक्शन दे विच कारगुजारी चंगी होण दी संभावना नज़र नहीं आउंदी। मसला इस वेले
चंगी कारगुजारी का नहीं है। सियासत दे विच इस वेले मसला यह है कि किहड़े रस्ते तुहाडे कोल हन इस वेले, जिहनूं आपां कहीए कि ऑप्शनज की है जी, बदल की है तुहाडे कोल। जे अकाली दल, मैं जिस तरह पहला अर्ज कीती है कि उन्हां कोल ना तो बीजेपी लैड अलायंस नाल जाण दीआं संभावनावां हन ते ना ही कांग्रेस लैड अलायंस नाल जाण दीआं संभावनावां हन, ते उन्हां दे कोल कोई चॉइस होर है नहीं। मजबूरी हुण मजबूरी उन्हां दी कहो कि यह हैगी है कि उन्होंने ये स्वतंत्र रूप विच ही उन्हां कोल इस दी हुण दी अज दी अवस्था जिहड़ी है, होर महीने नूं दो महीनियां नूं की हुंदी है उहदे बारे जे सियासत विच कुछ भविखबाणी सटीक तौर ते नहीं कीती जा सकदी कि की होण दीआं संभावनां, पर जे अज दी अवस्था रहिंदी है ते अज दी अवस्था विच अकाली दल कोल सिर्फ ते सिर्फ स्वतंत्र रूप विच ही इलैक्शन लड़न दा राह बच जांदा है। उहनां दी कारगुजारी की होएगी, किन्नियां कु उहनां नूं सीटां मिलदियां ने किन्नियां, मेरा अपना मानना इह है कि जो हुण तीन सीटां हैगियां इदों बदतर नहीं हुंदे, ओह तीन दियां पंज हो जाण, तीन रह जाण, चार रह जाण, मतलब इदों बदतर होण दी संभावना नहीं हैगी, क्योंकि ओह हुण समस्या ला पा के इह है कि जदों आपां पंजाब दी अवस्था देखदे हां ना जी, इस वेले सियासी जिहड़ी दिख है पंजाब दे विच, धिरां जिहड़ियां वी हैगियां उन्हां दी जदों आपां उन्हां बारे लेखा जोखा करदे हैं, उन्हां बारे जदों आपां गल करांगे ते भला भी पंजाब दे विच बाकी पार्टियां दा जिहड़ा तरातल है उह किन्ना क मजबूत है, उह भी तां आपां नूं देखणा पैणा ना। मतलब अकाली दल नूं सिर्फ अकाली वखरे करके नहीं आपां देखणा जी 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 जी। इक होर तुसीं पहला भी एक गल कही है कि जदों ढींडसा ग्रुप एनडीए दी मीटिंग दे विच गया सीगा तां उस समय नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा सीगा कि अकाली दल दे असल वारस इह ने, ते जिस तरीके दे नाल हुण ढींडसा अकाली दल इस समय सरगर्म हो रहा है, उस दे नाल अकाली दल नूं कोई नुकसान पहुंचूगा? मेरे मुताबिक यह है कि बीजेपी की कोशिश यही हैगी है कि वह ढींडसा साहब नूं मजबूत करन ਤਾਂ ਜੋ ਖੋਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੀਡਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਈ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
सिखाया भी है। दूजे पासे यह है कि नैशनल पार्टियां इस समय ज़्यादा सरगर्म ने, भारतीय जनता पार्टी वालों लगातार अपना विस्तार किया जा रहा है, दूजे पासे कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी इको ही पेज देते नज़र आ रही ने, वह इंडिया अलायंस के शामिल हो चुकिया ने। डॉक्टर साहब जिहड़े खास तौर पर आम आदमी पार्टी इस समय सत्ता दे विच है, विरोधी धिर कांग्रेस है, तो कांग्रेस भी इस तरीके एको गठजोड़ दे विच इकट्ठे ने, तो जो ये लोगों के विचरणगे आने वाले समय के 2024 दी चोणां लड़नगे, विरोधी धिर ते सत्ताधारी पार्टी कट्ठियां नजर आउणगियां, तो लोगों के की प्रभाव जाऊगा? दर्शक जी, ये देखो जिहड़ा सिनारियो हुण बन जा रहा, जे आपां मन लईए कि अज की ही अवस्था रहिंदी है 24 तक जदों इलैक्शन हुंदियां, आपां इस गल नूं आधार बन के फिर दलील करदे आं जी। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚਾਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਾ ਧੋਈ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਵੋਕਲ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ
खोरा लगना उन्होंने सपोर्ट बेस नू। यह एक जिन्हों कही कि लोगों की परसैप्शन लोगों के विच इस तरह का स्नेहा जो जाता है तो वह कसारा लगता ही होंगे पार्टियां नू। सो ये करके मैं लगता है कि वो कुछ प्रॉब्लमैटिक जिसनों प्रश्न चिन्ह जिन्हों आप लगते हैं, पर ये बावजूद भी ये जे कट्ठे चलते हैं तो भारू धिर के तौर पर यह निकलेंगे, इन बाकी पार्टियां नू नुकसान होगा। ठीक है, सपोज दूसरी गल मैं दर्शक हाँ जी कह रहे हैं, आप कहने हैं कि यह समझौता सिरे नहीं चढ़ता, जिदा कि मैनू यही लगता संभावना वधेरे यह है कि समझौता सिरे नहीं चढ़ना, क्योंकि बहुत अंदरूनी खिचातानी बहुत ज्यादा हैगी है। तो फिर यह है कि चार पार्टियां अपने सामने इत्थे हो जाएगी, तो चारां दे विचों एक एक दे बारे जदों आपां समझण की कोशिश करते हैं कि पंजाब का सिनारियो की बनेगा, कांग्रेस का भी कोई यहोजी गल हुण है नहीं गी पंजाब दे विच, आपां नूं पता है कि उन्होंने बहुत वड्डी लीडरशिप टुट के उन्हां नालों बीजेपी विच चली गई हुई है, कुछ हा विजिलेंस की मार विच पए हुए है, कुछ निराश हो गए हुए है, तो उन्हां दी उस तरह की गल नहीं बननी। दूसरे पासे रहेगी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का प्रभाव जो पहला सी आपां नूं पता वह हुण नहीं है जी, उन्हां दी कारगुजारी ते प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हुए है। यह प्रश्न चिन्ह लगने होने करके ताकत जिहड़ी पार्टी हुंदी है उहदा प्रभाव रहिंदा ही रहिंदा है। सो आम आदमी पार्टी का प्रभाव कांग्रेस नालों वधेरे पंजाब विच रहेगा जी, ते बीजेपी जिहड़ी हैगी है वो प्रभाव उहदा इन्ना वधण दी मैनू संभावना नज़र नहीं आउंदी, उहदे कुछ कारण जो हन मैनू इस तरह समझ आउंदे है। सिख लीडरशिप उन्होंने बड़ी आपां नूं पता है कि अपने विच लै ली हुई है, कांग्रेस की लीडरशिप नूं आपां नूं पता है कि जाखड़ साहब नूं उन्होंने प्रधान भी बढ़ा दिता होया है, पर इहदे नाल बीजेपी का जिहड़ा रवायती काडर है ते सपोर्ट बेस है उहदे विच मायूसी जरूर हैगी है। सो इस करके मैनूं लगता है कि जीरो सम गेम है, कोई इन्हां नूं बहुता फायदा होण दी संभावना मैनूं बीजेपी की नज़र नहीं आउंदी। और दूसरी गल इह है कि बीजेपी जिहड़ी है सिख मानसिक दे विच मकबूल नहीं हो रही, उहदा कारण यह है कि सिख किसानी जिहड़ी है वह बीजेपी दीयां नीतियां तो खुश नहीं है, और जिहड़ा लैफ्ट दा यानी कि खब्बे पक्षियां दा प्रभाव भी हैगा पिंडां दे विच, वह किसान यूनियनस विच भी आपां नूं पता है वह मूवमेंट विच बहुत हैगा। सो उहदे करके बीजेपी दी पेंडू खेतरां विच एक्सैप्टेबिलिटी मैनू उहदी संभावना कोई वधेरे लगती नहीं गी। सो इह सिनारियो दे विच लगदा यही है कि आम आदमी पार्टी नंबर एक ते मैनू लगेगी, जे इह आपां मान लईए कि चार अड्ड अड्ड धिरां होणगियां, ते कांग्रेस ते अकाली ते बीजेपी ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। दूसरा जिथन तक तुसी मान साहब की गल करते हो, मान साहब का फिनोमिन जिहड़ा है ना जी, वह संगरूर दे जितण दा वह मैनू लगता है कि वह एक्सैप्शन है, वह नॉर्मल हालात दे विच वह किते भी स्वतंत्र रूप विच जितण दी संभावना नहीं होनी।
संगरूर दी ते अवस्था वो हालात बिल्कुल वक्रे बने सी। आपां नूं पता है एक तो वह सिद्धू मूसे वाले वाला का केस हो गया सी, उस तो पहला दीप सिद्धू सीगा वो चल वसया सीगा उस खिते दे विच उन्हां दा प्रभाव ये सीगा। और दूसरा सी कि उत्थों दे लोकां दी मानसिकता ये बन गई सी कि आपां ने आप वालियां नूं हराउणा है जी, ते उन्हां नूं कौन हरा सकदा है जी जी। उदों लोगों नूं लग्या कि इत्थे सिर्फ ते सिर्फ सिमरनजीत सिंह मान हरा सकदा है जी जी। ओ सीगा। और एक फैक्टर तुसीं देखो संगरूर दी जदों जित हुंदी है ना सिमरनजीत सिंह मान होणा दी, उहदे विच एक फैक्टर जरूर ध्यान च रखो कि उहदे विच एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जिहड़ा ना उत्थे 3 लाख 2.5-3 लाख वोट जिहड़ी आ ना जी मलेरकोटला और होर लागे लागे जिहड़े एरिया है वह सिर्फ मुस्लिम्स दी है। जदों 2 लाख तो उपर 2.5 लाख इन्नी क वोट उन्हां दी बन जांदी उह संगरूर दी कॉन्स्टिट्यूएंसी च है। ठीक है ठीक है। वह यक मुश्त पैंदी है मान साहब नूं। ठीक है। सो वह फैक्टर है जी जी। जदों ओह यक मुश्त वोट पैंदी है मान साहब नूं उदों संभावना सिर्फ संगरूर च बनदी है। समुचे पंजाब च जदों तुसीं देखोगे ते मान साहब दी उस तरह दी एक्सेप्टेबिलिटी होनी नहीं क्योंकि खाड़कू तिरां जिहड़ियां हैगियां उत्थे इकट्ठियां सीगियां। जदों संगरूर दी इलैक्शन हुई सारियां ने उन्हां नूं सपोर्ट कीता सीगा। ठीक है। पर खाड़कू तिरां दे विच भी आपां नूं पता है कि आपस विच अड अड ग्रुप बने हुए है सारे मान साहब नूं सपोर्ट नहीं करदे। सो जदों समुचे पंजाब दी इलैक्शन दी आपां गल करांगे ते ओहो मान साहब अकाली सिख वोट जिहड़ी है वह जरूर तोड़नगे पर जे आपां कहीए कि वह प्रभावी बन के किस जित जाणगे उहदियां संभावनावां बिल्कुल मैनूं नज़र नहीं आउंदियां। वह अकाली दल दा नुकसान जरूर कर सकन। एक डॉक्टर साहब होर सवाल यह है कि एक समां सीगा पहलां अकाली दल सत्ता दे विच सीगा फिर कांग्रेस सत्ता दे विच सीगी ते उस समय जिहड़ी खास तौर पर यह दोवां पार्टियां दे लीडर जिहड़े हुंदे सीगे वह वी आई पी ढंग तरीके दे नाल विचरदे सीगे। जिहड़ी आम आदमी पार्टी दे नाल तुसीं की समझदे हो कि जिहड़ी इह सियासत दा कुछ शैली बदली नज़र आ रही है तुहानूं? नहीं, मेरे ख्याल से कोई बदली नहीं नज़र आउंदी। देखण धरातल ते उह जिही सिलसिला चल रहा होया है ते मैनूं नज़र नहीं आउंदी। और एक गल मैं दर्शक जी एक होर गल कहना चाहुंदा कि आम तौर पर जिहड़ियां जदों इलैक्शन हुंदियां ना उदों लोकां दे विच आम तौर पर एक धारणा जी बन जाती है कि कहड़ी कैंडीडेट की जितण दियां संभावनावां हन। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਵਹਿਣ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 2 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਪਾਪੂਲਸ ਜੇ ਮੈਜਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਹ 4 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਰਚਾ।